नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं परेश मिश्रा, आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ज़्यादातर लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, ट्रैफिक भी आती है, लगभग 1000-1500 तक की ट्रैफिक आती है, लेकिन तो भी $1 या $2 ही अर्निंग हो सकती है होती है। तो इसका क्या रीज़न होता है? इसका मेन रीज़न ये होता है कि आप प्रॉपर तरीके से एडसेंस की एड को प्लेस नहीं कर पाते हो। सही जगह पे जो एडसेंस की एड डिस्प्ले होना चाहिए, किस टाइप की एड डिस्प्ले होना चाहिए, मैनुअल एड लगाना चाहिए कि ऑटोमेटिक जो एड आती है वो लगवाना चाहिए, किससे ज़्यादा अर्निंग होती है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि आपको किस तरीके की एड लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अर्निंग हो। मेरी 1000-2000 ट्रैफिक में ही लगभग $4 से $5 तक की अर्निंग पर डे की होती है। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, मैं ऐसे किस जगह पे गूगल एडसेंस की एड लगाता हूँ, कौन कौन सी ऐसी एड है जो लगाने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी, प्लस आपकी वेबसाइट भी स्लो ना हो। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग भर भर के गूगल एडसेंस की एड लगा देते हैं और इस वजह से उनकी वेबसाइट की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है और इस वजह से उनका ट्रैफिक भी डाउन हो जाता है और अर्निंग भी कम हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये प्रॉपर एक तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है यदि आप खोज रहे हो या गूगल एडसेंस का अप्रूवल है आपकी वेबसाइट में लेकिन अर्निंग नहीं हो रही है। तो अर्निंग आपको 100% होगी यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे। तो आपको अच्छी तरीके से एडसेंस की एड कैसे प्लेस करना चाहिए ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी चाहिए और मैं हमेशा प्रैक्टिकली वीडियो बनाते रहता हूँ। ये वीडियो भी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा कि कैसे आप एडसेंस की एड को प्लेस करोगे अपनी वेबसाइट में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अर्निंग हो सके। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली वीडियो डालते रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में भी आ सकती है आपको। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली वीडियो ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिकली यदि किसी वीडियो को देखोगे आप, और जो मैनुअली जो बताते हैं जो मतलब बक बक कर देते हैं यार बस हो गया, तो ऐसा नहीं। मैं हमेशा प्रैक्टिकली वीडियो बना के बताते रहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके और मेरी तरह आप भी अर्निंग कर सको। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं अपनी सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट ओपन करके बताऊँगा कि ये मेरी वेबसाइट है indnaukri.com। अभी आप देख सकते हो मैंने इसमें जो एड लगाई थी वो आपके लिए मैंने इसमें से रिमूव कर दिया, अभी कोई भी ऐड मेरी वेबसाइट में नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी मैं आपको रियल टाइम बताऊंगा कि कैसे आपको एडसेंस की ऐड प्लेस करना है। तो एडसेंस की ऐड प्लेस करने के लिए सबसे पहले आपको एडसेंस ऐड इंसर्शन एक प्लगइन होता है वो आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो ऐड इंसर्शन जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर जो प्लगइन पहला नंबर का आएगा जिसको लगभग 2000 लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, लगभग दो लाख लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। यही वाला प्लगइन सबसे बेस्ट है जो एडसेंस की ऐड के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये ऐड प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है। ठीक है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही कीजिएगा अभी। और मैं एक बात आपको डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि आपको ऑटोमेटिक ऐड लगाना नहीं है, ऑटोमेटिक ऐड से आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको मैनुअली ऐड ही लगवाना है और कहाँ कहाँ लगाना है मैं ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जस्ट आपको एक्टिवेट करने के बाद इसके सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको ये वाला जो दिख रहा है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आप
5, 7 से 8 ऐड आप लगा सकते हो। 7 से 8 ऐड लगाओगे तो गूगल एडसेंस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी वेबसाइट की स्पीड भी स्लो नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने एडसेंस अकाउंट की तरफ। और ये मेरा एडसेंस का अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐड में क्लिक करना है। ऐड में क्लिक करके ओवरव्यू में जाओगे आप, तब आपको तीनों ऑप्शन आएंगे। एक तो बाय साइट, मतलब ऑटो ऐड के लिए, बाय यूनिट, ठीक है। तो बाय यूनिट में मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले, आपको इसमें से कौन कौन सी मतलब ऐड लगाना है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा जिसमें ये ब्लू साइन होता है, जिसमें ये ब्लू वाला साइन आप देख सकते हो, ये एमपी कंपेटेबल बता रहा है। मतलब ये जो ऐड है, ये दोनों टाइप के, एक तो नेटिव ऐड और एक ये वाला ऐड, ये ऐड काफ़ी अच्छी ऐड होती है और काफ़ी अच्छी अर्निंग देती है, क्योंकि ये ऐड जल्दी से जल्दी मतलब लोड हो जाती है और इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाला सिंबल देखकर अब जितनी भी ऐड में आपका ये वाला सिंबल हो, वही वाली ऐड लगाइए। आई थिंक मेरे ख्याल से डिस्प्ले ऐड और नेटिव ऐड, जो मैच कंटेंट ऐड होती है, यही दो टाइप के जो ऐड होते हैं उसी में आपको ये वाले साइन दिखाई देंगे। तो ये वाले दोनों आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं एक क्रिएट करता हूँ जल्दी से। आपको हॉरिजॉन्टल क्लिक करना है। हॉरिजॉन्टल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नाम दे सकते हो, जैसे आज है अप्रैल, तो अप्रैल का मैंने ये एक ऐड बना लिया है, अप्रैल डिस्प्ले ऐड, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर मंथ आपको ऐड का नाम चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये नाम दिया हुआ है। और जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्रिएट कर देना है। क्रिएट होने के बाद आपको जस्ट कॉपी करना है और डन कर देना है। और फिर से आपको अपनी वेबसाइट में जाना है, वर्डप्रेस में, और वर्डप्रेस में जाकर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, इतना हो जाने के बाद आपको जस्ट नीचे ये इंसर्शन जो दिया है, डिसेबल है, जब तक ये इनेबल ना हो या फिर कहाँ पर आपको पेस्ट करना है इसका ऑप्शन है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आफ्टर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ये डिस्प्ले हो, ठीक है। तो इसको जस्ट आपको सेव कर देना है, ठीक है। और इधर आपको कैटेगरी और टैग को क्लिक कर देना है, क्योंकि कैटेगरी और टैग वाले पेज भी आपके रैंक होते हैं, और जब कैटेगरी और टैग के थ्रू कोई यूज़र आपकी वेबसाइट में आता है तो उसको भी डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया एक। दूसरे में मैं सजेस्ट करूँगा सेम आप डाल सकते हो, दूसरे में भी सेम, और इसको आफ्टर पैराग्राफ फोर्थ रखिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद फिर से आपको एडसेंस अकाउंट की तरफ जाना है, और यहाँ पर ये मैच कंटेंट वाला एक क्रिएट करना है। मैच कंटेंट क्या होता है कि जो भी आपका यूआरएल है, जैसे ये यूआरएल, और ये बीच बीच में एक ऐड दिखाई दे, ये मैं सब कुछ प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका एक नाम दे देते कि मैच अप्रैल, ठीक है। बाकी कुछ शेर खाने नहीं करना है आपको, जस्ट ओके कर देना, कॉपी करना है, डन कर देना। फिर से आपको वर्डप्रेस में जाना है। वर्डप्रेस में जाकर आपको थर्ड वाला क्लिक करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट हो जाने के बाद इसको आपको कहाँ पे डिस्प्ले करना है, इसको आफ्टर कंटेंट रखिएगा, क्योंकि जब भी आपका पूरा का पूरा कंटेंट ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही ये डिस्प्ले होता है, तो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको रख सकते हो आप, और इसको कैटेगरी टैग में रख सकते हो, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा एक बार फिर से चौथे वाले में जाइए आप, और यहाँ पर भी सेम पेस्ट कीजिए मैच कंटेंट, और इसको होम पेज में रखिए। होम पेज में रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको होम पेज में बिटवीन पोस्ट में आप रख सकते हो, ठीक है। जस्ट सेव एस कर देना है,
और पांचवा जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपको, पांचवा भी जो पहला डिस्प्ले ऐड वाला था वही वाला आपको कॉपी कर देना है, और पांचवे में भी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और इसको कैटेगरी टैग कर देना है। और ये आपको आफ्टर पैराग्राफ 4 तक हो गया था तो 5 कर देते, ठीक है, ये हो गया। और छठे नंबर की जो ऐड है मैं सजेस्ट करूँगा सेम डिस्प्ले ऐड ही रखिएगा, और इसको आप रखिए आफ्टर इमेज, ठीक है, पहली इमेज के बाद, ठीक है, तो इसको जस्ट सेव एज कर देना। अभी आप देखिएगा मेरी वेबसाइट में ऐड स्टार्ट हो चुकी होगी, रिफ्रेश करके बता देता हूँ आपको, ये देखिएगा अभी थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा। ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एक ऐड आई आफ्टर इमेज, प्रॉपर अभी आ नहीं रही है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में आई आफ्टर इमेज आ नहीं रही है, सही हो सकता है कि इसमें कुकीज़ हो, इनकॉग्नेटो मोड में ओपन करके देख लेते एक बार। देखिए ये गूगल ऑटोमेटिकली आपकी प्लेसमेंट को रिप्लेस कर रहा है, ये देखिए आफ्टर इमेज, ये थर्ड फोर्थ वाला पैराग्राफ, ये फिफ्थ से पैराग्राफ, और यहाँ पर देखिए आफ्टर कंटेंट, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये देखिए ये ऐड है, ये ऐड है, ये मेरा एक पोस्ट है, और ये ऐड है, ये मेरा एक पोस्ट है, ये ऐड है, ये मेरा एक पोस्ट है, ये ऐड है, और ये मेरा एक पोस्ट जिसमें IND नौकरी, ये मेरा पोस्ट है, और जो नहीं लिखा हुआ है ये ऐड है, ये ऐड है, और इसमें ये ऐड है, ऐसे 3 ऐड है इसके बीच में, तो यूज़र कंफ्यूज हो जाता है और ऐड में क्लिक हो जाती है, ठीक। तो होम पेज आप ओपन करके देख सकते हो होम पेज में क्या चेंजेस हुआ है, वो देख लेते हैं अपने। दूसरा ब्राउज़र में ओपन करके मैं बता देता हूँ, तो होम पेज में अभी तक कुछ आया नहीं है। तो इस तरीके से यदि आप अपनी वेबसाइट में ऐड लगाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी, ये देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप अपनी वेबसाइट में ऐड लगाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी गूगल एडसेंस से, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो ऐड में जो सिंबल मैंने बताया था वही वाली ऐड आप लगाइएगा, बाकी जो भी ऐड होती है दूसरी वो मत लगाइए ताकि आपकी वेबसाइट स्लो ना हो, ठीक। मैं एक बार अपनी वेबसाइट की स्पीड भी आपको चेक करके बता देता हूँ, पेज स्पीड में जो मैंने अभी ऐड लगा दिया है तो मेरी वेबसाइट की स्पीड कितनी है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट का URL है, ठीक है, और एक गूगल पेज स्पीड चेक करके आपके सामने मैं बता देता हूँ। मैंने इतनी ऐड लगाया है तो भी मेरी वेबसाइट की स्पीड आप देखिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, देखिए 100%, दोनों 100% देख सकते हो आप। GT मैट्रिक्स में भी मैं आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करके बता देता हूँ,
थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। ये देखिए सी में आ चुका है, एक बार फिर से देख लेते। आई थिंक सी तो नहीं आनी चाहिए, ए या बी में आनी चाहिए। ये देखिए ए में आया ना, मतलब हो सकता है ऐसा कुछ। लेकिन मैंने आपको प्रूफ के साथ सब कुछ बताया है कि कैसे एडसेंस के ऐड को सही जगह पे लगाने से आपको 100% अर्निंग होगी। यही सही तरीका है जो लोग बताते नहीं हैं, लेकिन मैंने खुल के आपको बता दिया है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछिएगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।